तो गाइस ऑटो एक्सपो 2023 में वॉल्वो की ये 9600 आपने देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाई गई है, क्योंकि ये जो बस है वो नॉर्मल 9600 का वर्जन नहीं है, ये काफी ज्यादा डिफरेंट बस है। डिफरेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस बस में आपको किचन मिलता है, इस बस में आपको वॉशरूम मिलता है, और जिस टाइप का यहाँ पे आपको कंफर्ट मिलता है वो बिल्कुल ही फ्लाइट के बिजनेस क्लास वाला कंफर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अगर इस बस की पूरी लेंथ की बात करें तो 15 मीटर्स की यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा है। और गाइस इस बस में आप देख सकते हैं कि G20 की ब्रांडिंग की गई है और नीचे लिखा है भारत 2023 इंडिया। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि G20 समिट जो है वो 2023 का कौन होस्ट करेगा, वो होस्ट करेगा हमारा इंडिया। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स की थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि G20 में कितने कंट्रीज आते हैं। पता है तो नीचे दिए कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। देखते हैं कि आपके सिर्फ ऑटोमोबाइल की नॉलेज अच्छी है या फिर जियोपॉलिटिक्स की भी आपकी नॉलेज अच्छी है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर G20 समिट में ये बस यूज होने वाली है तो डेफिनेटली कंफर्ट बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल का यहाँ पे होगा। वॉल्वो की यहाँ पे आपको बड़ी सी ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पे आपको LED DLs और LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है। बाकी विंड स्क्रीन आप देख सकते हैं, काफी मैसिव साइज की आपको यहाँ पे विंड स्क्रीन देखने को मिलती है। कैप्टन के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोविजन दिया गया है, और वॉल्वो के कैप्टन की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से की जाती है, और स्पेशली वो तब जब ये बस G20 समिट में यूज की जाएगी। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी लाइनिंग लगी है यहाँ पे एंटर करने के लिए इसमें। तो क्विकली अंदर चलते हैं और आपको इसका रियल कम्फर्ट दिखाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आप मूवीज वगैरह भी देख सकते हैं, और फूड ऑर्डर कराना है तो वो भी करा सकते हैं इस सीट में बैठ के। कुशन्स आपको देखने को मिलते हैं वॉल्वो के, और रेक्लाइनिंग का अगर आपको फीचर यूज करना है तो आप इन बटन को प्रेस करके उसको यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फुल बिजनेस क्लास वाला है, यहाँ पे आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप फूड को इस तरह से ऑर्डर करा सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में देख रहे हैं। तो टोटल आपको यहाँ पे 10 सीटिंग्स देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आप अपने लगेज को रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किचन की फैसिलिटीज भी देखने को मिलती है, जिसे हम पैंट्री कहते हैं। माइक्रोवेव यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको यूज करना हो इसका तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है कॉफी मेकर, बिल्कुल आपको ऐसा फील आएगा ही नहीं कि आप किसी बस में हैं, और ये एक नॉर्मल आपको किचन ही लगेगा। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर भी यहाँ पे मिल जाता है आपको। और यहाँ देख सकते हैं आपको वॉशरूम की फैसिलिटी भी इस बस में प्रोवाइड की जाती है, बिल्कुल फ्लाइट जैसा लेवेटरी मिलता है, और यहाँ से आपको एग्जिट का गेट भी मिल जाता है रियर साइड से। में आपको काफी सारी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, लेकिन यहाँ पे टोटल जो सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन इस बस में बनाई है वो टोटल आपको 10 सीटिंग्स मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बिजनेस क्लास वाला फील है वो तभी आ पाएगा जब इसमें बहुत ज्यादा सीटें ना हो और लेग रूम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हो। इसके अलावा आपने देखा यहाँ पे लेबोरेटरी आपको मिलती है, यानी कि वॉशरूम आपको मिल जाता है, किचन की फैसिलिटीज वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ माइक्रोवेव भी आपने देखा था उसके अंदर। ओके, तो गाइस कैसी लगी आपको वॉल्वो की 9600 बिजनेस क्लास वाली बस? आपने क्या इस टाइप की बस पहले कभी देखी है? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।